हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम दोस्तों नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन जो है प्लस टू डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए है। और इसमें एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, राइट। और रिटर्न एग्जामिनेशन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें कि आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, राइट। निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इंटरव्यू नहीं है। हम इसमें देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे फॉर्म फिल करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, राइट। चलिए देखते हैं इस देखिए वैकेंसीज पहले देख लेते हैं। नर्स स्टाफ जो प्रोफाइल है, चार प्रोफाइल है दोस्तों, जिसमें नर्स स्टाफ की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 34 है, राइट। 34 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि डिसेबल पर्सन के लिए एक वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 10 वैकेंसी है वीमेन में, और एसटी में 14 वैकेंसी है और एससी में 10 वैकेंसी है। ये सारे प्रोफाइल जो है वीमेन के लिए है, ये 34 के 34 प्रोफाइल वीमेन के लिए है। बट अगर शॉर्टेज ऑफ कैंडिडेट हो गया, शॉर्टेज ऑफ आपका एप्लीकेशन हो गया, देन मैन को भी इसमें प्रिफर किया जाएगा, राइट। तो ये चांसेस हैं। उसके बाद देखिए, इसमें वीमेन लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं होता है वीमेन का तो फिर जेंट्स को भी लिया जाएगा। फार्मेसिस्ट में जो देखिए, टोटल 18 वैकेंसीज हैं, राइट। 5 इसमें हो गया और 12 इसमें हो गया, और एसटी में 1 हो गया, जनरल में 18 टोटल वैकेंसीज हैं, राइट। इसमें भी है, अगर फीमेल का शॉर्टेज होगा तो डेफिनेटली मेल को प्रिफर किया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है, ईसीजी टेक्नीशियन में 1 वैकेंसीज हैं, राइट। ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल इसमें कुछ नहीं है। एएनएम में जो है टोटल 4-5 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि इसमें मेल के लिए, फीमेल के लिए दिया है, बट मेल कंसीडर कर सकता है, राइट। अब देख लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन फी, पहले टोटल देख लेते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट में क्या है दोस्तों, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फिर देखेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, एंड देन फिर जाके जो है आपका लास्ट डेट है 7 सितंबर, 7 सितंबर, OSSC.gov.in पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली हुई है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली हुई है, राइट। इसमें जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन नर्स स्टाफ के लिए प्लस टू विथ बीएससी नर्सिंग कोर्स फ्रॉम एनी इंडियन नेशनल काउंसिल अप्रूवल इंस्टीट्यूशन से, राइट। उसके बाद जो आपका यहाँ पे एएनएम फार्मेसिस्ट के लिए भी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सरे टेक्नीशियन में प्लस टू, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE इंस्टीट्यूशन, राइट। ईसीजी टेक्नीशियन प्लस टू विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ईसीजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट। एएनएम में जो है एएनएम कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल काउंसिल, राइट। तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं इसमें जो है, यहाँ पे लिखा गया है ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ वीमेन कैंडिडेट, जनरल में मेल कंसीडर किया जा सकता है, विल बी कंसीडर इजीली लिखा हुआ है। उसके बाद एएनएम का जो एज है 18 से 32 है। उसके बाद अगर नर्स स्टाफ, फार्मेसिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन का एज 21 से 32 साल दिया हुआ है दोस्तों, राइट। उसके बाद ₹200 एग्जामिनेशन फ़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। कैंडिडेट अदर देन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, राइट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एससी, एसटी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। आप ऑनलाइन जो है पे कर सकते हो, 7 जुलाई तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले आप रजिस्टर करोगे, आप अपना सारा कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, अपना सारा डिटेल फॉर्म फिल करोगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर यू हैव टू बी अपलोड, राइट। एंड देन फिर जाके आप जो है इसमें, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है। अगर कोई डाउट होता है कि ये कैसे अप्लाई करना है तो आप बताइएगा, डेफिनेटली मैं हेल्प आउट करूँगा कॉमेंट बॉक्स में। आप जो है किसी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा। सिलेबस देख लेते हैं, राइट, और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। ये देख लिया हमने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एंड अब सैलरी स्ट्रक्चर जो है ये देखते हैं। इसमें
पहले हम इसका ये देख लेते हैं, टोटल जो है ये सब हमने देख चुका है। अब ये देख लेते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल उड़िया लैंग्वेज होगा दोस्तों, जनरल स्टडीज़ होगा एंड कॉमन क्वेश्चंस होंगे, राइट। कॉमन क्वेश्चन 60 20 नंबर का जनरल स्टडीज़ और उड़िया 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, ये हो गया। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, राइट। वन आर में 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। OMR सीट पे होगा। कैंडिडेट 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पेपर सेकंड के लिए, सेकंड पेपर के लिए, राइट। 2 पेपर होगा, दूसरा में आपका जो है टेक्निकल पेपर होगा, राइट। और इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग देख सकते हैं आप, राइट। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। अब देख लेते हैं इसका, हाँ ये दिया हुआ है, ये सिलेबस देख सकते हैं आप, यहाँ से है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा सिलेबस, यहाँ तक ये सिलेबस है इसका। एंड देन फिर टेक्निकल का भी सिलेबस दिया हुआ है, ये आप सिलेबस देख सकते हैं, कंपोजिट पेपर, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इसका, नर्स स्टाफ के लिए सिलेबस है, राइट। उसी तरह यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा का पूरा फार्मेसिस्ट के लिए। उसके बाद जो है ये जो है फर्स्ट 4 ईयर जो है आपका कुछ टाइम के लिए ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रखेगा। फार्मेसिस्ट का सिलेबस हो गया, ANM का हो गया सिलेबस, एंड एक्सरे टेक्नीशियन का, ECG टेक्नीशियन का ये सिलेबस हो गया, तो राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिटर्न के बाद, तो सिलेबस हो गया। अब देख लेते हैं सैलरी, सैलरी पे थोड़ा सा कुछ इसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखा गया है स्टार्टिंग में, राइट। वो देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स की जो सैलरी होगी 10,000 होगी, फार्मेसिस्ट की जो होगी 9,500 रुपया होगी, ANM के लिए जो होगी वो 9,000 होगी, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो होगी 9,500 होगी फर्स्ट ईयर 1 साल, उसके बाद फिर जाके ये सैलरी बढ़ जाएगी, राइट। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। आप फॉर्म फिल कीजिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो शेयर कीजिए एंड ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।